तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला है लैटिस, उसके बाद पढ़े थे बेसिस, बेसिस उसके बाद है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको मिला था बेसिस और लैटिस को मिला के, यानी लैटिस को हम एक अरेंजमेंट के साथ रखेंगे बेसिस में, तो हमें मिलेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहले तो एक लैटिस पॉइंट, और लैटिस पॉइंट पे ही हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मान लो NaCl वगैरह के किसी एक एटम को, चाहे Na को चाहे Cl को, इसके ऊपर रखेंगे। मान लो यहाँ Na है, और चाहे इसके बगल में Cl भी रख लो। मोनो एटॉमिक होगा तो सिंगल टाइप का होगा, और अगर दो होंगे तो उसमें एक Cl जैसा भी होगा। तो मान लो एक Na लैटिस पॉइंट जैसा और एक दूसरा Cl उसी के जैसा, तो दोनों को जब रिपीट करते जाएंगे तो हमें ये मिलेगा पूरा NaCl। ये चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन तो सिमेट्री ऑपरेशन चार तरीके का था। पहला ट्रांसलेशन, और दूसरा कौन सा था, रोटेशन सिमेट्री, और तीसरा रिफ्लेक्शन सिमेट्री, और चौथा इन्वर्जन सिमेट्री। तो ट्रांसलेशन वाली सिमेट्री एक तरह से ऐसी सिमेट्री थी जो डिस्प्लेसमेंट वाइज विस्थापन था केवल। अगर हम लैटिस पॉइंट इस तरह से लें और किसी लैटिस के लिए हम पोजीशन वेक्टर अगर दिखाएं इस लैटिस पॉइंट से, तो अगर ये r था तो इसी का डिस्प्लेस पोजीशन हमें मिलेगा अंडर ट्रांसलेशन। वो सपोज करो कि ये इधर हो गया अंडर ट्रांसलेशन, सेम p हमें मिलेगा लेकिन दूसरे स्थान पर। तो ट्रांसलेशन से सिर्फ इतना होता है कि केवल पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस एक तरह से ये वाली r डैश हो गई, यानी r डैश इक्वल r प्लस t। अगर यहाँ ट्रायंगल रूल लगाएं तो r और इधर t, तो r डैश होगा r प्लस t, ये भी वेक्टर ही है। तो t को बोलते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। दूसरा है रोटेशन। तो रोटेशन में हम लोगों ने देखा है कि हमें मिलता है एक वन फोल्ड, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड, और उसके साथ सिक्स फोल्ड। फाइव फोल्ड सिमेट्री नहीं मिलती है, जो डिस्कस हो चुका है किस तरह से नहीं मिलती है। तो रोटेशन के अंतर्गत में हमें ये सभी फोल्ड मिलते हैं, केवल पांचवा फोल्ड नहीं मिलता। यानी पेंटागन को रिपीट करते जाएंगे, पेंटागन जैसे लैटिस को अगर लेके रिपीट करेंगे तो हमें पूरा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं खाली रह जाता है। और रिफ्लेक्शन में था कि अगर हम किसी भी क्रिस्टल या लैटिस को मान लें, अगर उसको प्लेन या लाइन के थ्रू ऑपरेशन करेंगे तो ये सेम चीज़ मिलता है लेकिन इन्वर्ट होता है, उसका मिरर इमेज एक तरह से। तो इसको बोल सकते हैं मिरर सिमेट्री। इसमें जो चेंजेस होंगे वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हैंडेड हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड का लेफ्ट हैंड जैसा। इन्वर्जन सिमेट्री एक तरह से पॉइंट सिमेट्री, यानी जो भी स्ट्रक्चर चेंज होगा वो पॉइंट ऑपरेशन के थ्रू होगा। तो कल हुआ था ये भी पॉइंट ऑपरेशन, तो जो सिमेट्री पॉइंट के उधर थी सेम वही सिमेट्री पॉइंट के इस बार। इस लाइन को ऐसे बढ़ा सकते हो ऐसा, तो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, इसीलिए इसको पॉइंट सिमेट्री भी बोलते हैं ऐसा।
अब इसमें जो दो 2D टू डायमेंशनल पॉइंट ग्रुप या नई हेडिंग की बात करें तो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन तो सिमेट्री ऑपरेशन में चार थे, उसमें हमें कुछ सिमेट्री को एक साथ लेके ग्रुप बनाना है। जैसे चार एक साथ हैं तो चार में से किसी भी दो नहीं, ट्रांसलेशन को हम नहीं लेते हैं, जो दूसरा वाला था एक रोटेशन और उसके साथ तीसरा वाला रिफ्लेक्शन, इन दोनों सिमेट्री ऑपरेशन के ग्रुप से एक पॉइंट ग्रुप सिमेट्री बनती है जिसको बोलते हैं, और जिससे हमें मिलता है टू डायमेंशनल सिमेट्री ऑपरेशन। और तीनों को अगर हम मिलाएंगे, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और लास्ट वाला इन्वर्जन, तीनों को मिलाने से हमें 3D का पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन मिलता है। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन तो दो सिमेट्री ऑपरेशन का ग्रुप बनाएंगे तो हमें दो डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा, और तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो 3D पॉइंट सिमेट्री मिलेगा। इसके अंतर्गत आता है 2D वाले में, 2D में 10 टाइप के या 10 टाइप्स के ग्रुप मिलते हैं ग्रुप सिमेट्री 10, और इसमें 32 टाइप्स हैं या 10 टाइप्स का सिमेट्री, या यूँ कहें कि पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री और इसमें 32 है, तो 10 में कौन कौन मिलते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो पहले हमको पता है कि जो रोटेशन है वो 1 का है, 2 का है, 3 है, 4 है और उसके साथ 6 है। तो रोटेशन में भी हमें जब हम टू डायमेंशनल ग्रुप सिमेट्री यूज करेंगे तो एक 1 मिलता है, दूसरा 1m, फिर 2m, फिर उसके साथ डबल एम हो गया 2m, फिर 3m और एक होता है 4 डबल एम, 5 तो मिलता नहीं है, 6 और इसके साथ 6 डबल एम। तो यहाँ 1 2 देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें m रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन को, m जो है वो डिनोट कर रहा है रिफ्लेक्शन को, और उसके साथ जितने 1 2 3 4 दिख रहे हैं वो सारे के सारे रोटेशन के थ्रू हैं। ये जो नंबर है ये सारा रोटेशन का नंबर है, और बाकी जो m वगैरह दिख रहे हैं, जैसे यहाँ सिंगल m है तो 1 बार रोटेशन, मतलब 1 फोल्ड रोटेशन का और एक साथ उसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन के बाद हमें सेम चीज़ मिलेगा। सिमेट्री ऑपरेशन से मतलब है कि जो चीज़ पहले है ऑपरेशन करने के बाद भी वही चीज़ मिले। तो एक तो हम एक बार 1 फोल्ड करें तो वो 2π वाला सिस्टम आएगा, एक ही बार में पूरा घुमा दो तो पूरा, जैसे था ना ये फॉर्मूला n φ = 2π, तो n की वैल्यू 1 आना मतलब φ 2π है, तभी तो n 1 आएगा, यानी किसी चीज़ को 2π घुमाएंगे तब भी हमें 1 मिलेगा। और एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है कि एक रोटेशन और उसके बाद रिफ्लेक्शन करके भी सिमेट्री मिलती है, यहाँ 2 बार 2 या 2 फोल्ड रोटेशन है, यहाँ 2 और डबल रिफ्लेक्शन, तो m जितनी भी बार हो वो रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा है, 1 2 3 4 सारा रोटेशन सिमेट्री को डिनोट कर रहा है। तो इसका फिगर बनाते हैं, तो 1 को हम बनाएंगे कुछ इस तरह, ये सर्कल जैसा है लेकिन उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो गायब है, नोच्ड टाइप, NOTCHED, नोच्ड व्हील बोलते हैं इसको, नोच्ड व्हील। दूसरा ये है 1, दूसरा
टू थ्री एक सेकंड तो वन में सिर्फ एक ही बार होगा, एक बड़ा सा नोज्ड पार्ट है और एक छोटा सा, इस वाले में सिर्फ एक बार होगा। यहाँ वही पॉइंट, ये है 1M, इसके बाद 2, बड़ा रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर वन है तो दो छोटे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इस वाले में दो है तो एक यहाँ है और एक इधर है, और जहाँ वन के साथ एम है उसमें केवल एक ऐसा है नोच्ड वाला टाइप, बस इतना ही है, इतना गायब है। और है ये पूरा स्फीयर ही, इस तरह से उसको कर्व करो कि वो स्फीयर जैसा ही है, इस तरह का ऐसा। हाँ, ये पूरा कंप्लीट कर रहा है स्फीयर ही, उसमें से वो भाग गायब है। थ्री में उसी तरह बनाएंगे जैसे इसमें दो है, तो उसमें तीन आएगा इसी जैसा। वन टू थ्री, ये टू, ये टू। और एक चीज़ और याद करना है कि यहाँ जो इवन नंबर है वहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन है, 2m और इधर 4 और इधर 6। बाकी जितने ऑड वाले हैं, 1 के साथ केवल सिंगल रिफ्लेक्शन, 3 के साथ सिंगल रिफ्लेक्शन है, लेकिन 4, 2 और 6 के साथ डबल डबल रिफ्लेक्शन है, तो याद करने में आसानी रहेगी। वन के साथ यानी ऑड वाले जितने भी हैं उसमें केवल एक एम है, बाकी तो ये पता ही है कि 1, 2, 3, 4 और 6 होते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। 1, 2, 3, 4, 6, और उसमें भी ऑड के साथ सिंगल एम है ऑड नंबर के साथ, और इवन नंबर के साथ डबल एम है। तो इसी तरह से 10 बनाना है जैसे 2 है। अब 3 वाले में इसी तरह बनाएंगे, और ये हिस्सा 3 बार होगा, एक बार और उसी तरह से। तो 10 पार्ट है इसके, और तीसरे वाले में तो 10 में ही देख रहे हो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जो 3D वाला डायमेंशन है उसमें 32 टाइप्स के लैटिस बनते हैं, तो इसको बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसको हम लोग अभी नहीं बनाएंगे। तो पढ़ते हैं फिर टाइप्स ऑफ लैटिस, उसको बनाना भी नहीं है, केवल 2 डायमेंशन ही है अपने कोर्स में, उससे ज़्यादा नहीं है 3D वाला।